अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, कल जो हमने वेबसाइट बनाई थी माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से, जो एक रिपोजिटरी बनाई थी हमने, उसको मैं क्लोन करता हूं दोबारा से अपनी मशीन में। जी दोस्त, वो असल में अभी ऑन हुआ ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो शो हो जाएगा। अच्छा, ये मेरी गिटहब में 2 डेज अगो मैंने बनाया था माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है जी। और माई फर्स्ट वेबसाइट में एक index.html बना के उसको होस्ट भी किया हुआ था, उसका URL भी यहाँ पे आ रहा था। अब मुझे इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, जैसे कि हमारे दोस्त ने सवाल पूछा कि अब मुझे अगर इसको फ्यूचर में इसमें नई चीजें डालनी है या मुझसे कोई गलती हो गई है उसको मैंने अपडेट करना है और अपडेट करके दोबारा से भेजना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके ये URL है ना जो, इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको अपनी मशीन में कॉपी करके क्लोन करना है, ठीक है, गिट के जरिए मुझे क्लोन करना है, अपनी मशीन में लाना है। अच्छा, मैं डेस्कटॉप पर गया और डेस्कटॉप पे ना पहले से ये माई फर्स्ट वेबसाइट के नाम से फोल्डर आ रहा है जो मैंने पिछली क्लास में बनाया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे पीसी में ये मौजूद नहीं है, मैं लाना चाह रहा हूँ पीसी में। अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, या कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, इसमें सीडी करके मैं डेस्कटॉप पे चला गया, ठीक है, डेस्कटॉप पे आ गया मैं, यहाँ पे मुझे कमांड क्या लिखनी है, गिट क्लोन और वो URL पेस्ट कर देना है, ठीक है, मेरी रिपोजिटरी का जो अभी मैंने कॉपी किया, एंटर। इतना आसान है, ये उठ के पूरा ये फोल्डर देखें पूरा उठ के आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये फोल्डर यहाँ पे उठ के आ गया, क्रिएट हो गया मेरे स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, सीडी फर्स्ट वेबसाइट, एंटर, उस फोल्डर के अंदर गया मैं, ठीक है, जो मुझे कहां से मिला लाके गिटहब से लाकर मिला है जो फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर गया मैं। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद मैंने कहा कोड स्पेस डॉट के मैं इस फोल्डर को VS कोड के एडिटर में ओपन करना चाह रहा हूँ, एंटर। आसान है बिल्कुल, मुश्किल तो नहीं है कुछ। अच्छा, ये हो सकता है अभी लग रहा है इतने सारे स्टेप करने पड़ते हैं, लेकिन थोड़े ही दिनों में ये आपके हाथ पे सेट हो जाएगा, मसल मेमोरी में आ जाएगा आपके। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं एक index.html की फाइल पहले से नजर आ रही है, एक index.html की फाइल पहले से यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि पूरी रिपोजिटरी मैंने क्लोन कर ली है, जो भी मेरे गिटहब में मैंने भेजा था वो सब मुझे वापस मिलेगा जब मैं उसको मंगवाऊंगा। अच्छा, अब मेरे पास ये आ चुका है एक अदद HTML की फाइल। इस HTML में हमने 2 मार्कअप लिखना सीख लिए थे, ठीक है, 2 अदद मार्कअप हमने लिखना सीख लिए थे, तो आज हम 2 मार्कअप और सीखेंगे, ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, 2 मार्कअप मजीद सीखेंगे, और साथ में क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर से नीचे तक पूरा जो कोड हुआ है ना, इस कोड को भी हम समझेंगे कि ये कोड आखिर है क्या है, ये मतलब मार्कअप तो चलो समझ आ रहा है, लेकिन ऊपर डॉक टाइप लिखा हुआ है, फिर लैंग्वेज लिखा हुआ है, फिर हेड लिखा हुआ है, ये क्या चीजें हैं सारी, ठीक है, तो इन चीजों को भी हम थोड़ा सा देखते हैं। तो हम बुक में आ जाते हैं, हमारी बुक कहाँ है, ये रही हमारी बुक जनाब। अच्छा, इसको मैं कर देता हूं 2 पेज। अच्छा, आप सब लोग भी अपनी अपनी स्क्रीन पे बुक खोल लें, और बुक का जो पेज नंबर है वो 21 है, राइट, बुक का पेज नंबर 21 और 22, ये 2 पेज हैं, यहां पे 21 लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, यहाँ नीचे जहाँ 21 लिखा है ना उस पेज पर आ जाए, ये वाला खोल लें, ठीक है, जो भी है स्क्रॉल करेंगे खुद ही दिख जाएगा आपको पेज नंबर 21। ये नीचे लिखा हुआ है 21 स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 1 है ये स्ट्रक्चर, मिला। अच्छा, अब सबसे पहले आपके कोड में लिखा हुआ है, इसको मुझे ना अरेंज करना पड़ेगा इस तरह कि मैं दोनों में ना बैक एंड फोर्थ स्वैप कर सकूं। अच्छा, तो ये स्ट्रक्चर को ना यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ऊपर से नीचे तक जो कोड है वो आखिर है क्या, तो हम अपने कोड एडिटर में भी आकर देखेंगे तो हमें कुछ इसी तरह का कोड नजर आ रहा है। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ये डॉक टाइप HTML का मतलब ये है कि नीचे जो HTML का डॉक्यूमेंट लिखने जा रहा हूं मैं,
वो HTML 5 में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। HTML के मुख्तलिफ वर्जन है, 1, 2, 3, 4, अभी जो सबसे लेटेस्ट है वो 5 है, HTML 5। तो HTML 5 की जो डिक्लेरेशन है वो इस तरह से होती है कि हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं, हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि नीचे जो लिखा हुआ HTML 5 है, ठीक है। उसके बाद एक सिमेंटिक टैग है। अब ये सिमेंटिक टैग क्या चीज होते हैं, ये हम बुक में आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सिमेंटिक क्या होता है। अच्छा, लेकिन ये जो टैग है ये बताता है किसी भी ब्राउजर में जब ये ओपन होता है या कोई भी सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पे आता है तो उसको ये बताता है कि ये वेबसाइट किसमें अंग्रेजी में बनी हुई है, लैंग्वेज इसका है इंग्लिश। इसकी जगह कोई भी दूसरी लैंग्वेज भी हो सकती है, अगर आपने अरबी में बनाई है तो आपको अरबी लिखना पड़ेगा। तो ये सिमेंटिक टैग है। अच्छा, सिमेंटिक टैग का मतलब ये होता है कि ना भी हो ना तो कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये सिमेंटिक टैग ज्यादा डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लें कि ये ना भी हो तो एरर नहीं आएगा, लेकिन इसके होने से बहुत सारे फायदे होते हैं। वो क्या होते हैं वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद है हेड। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं इंटेंड कर देता हूं। अच्छा, इस लैंग्वेज को मैं यहां से हटा देता हूं, जो सेमेंटिक है उसको मैं हटा देता हूं। अच्छा, उसके बाद HTML यहां से शुरू है और HTML यहां पे खत्म है। अब यहां से हम आ जाते हैं बुक में। बुक में क्या बता रहा है, जहां से HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट है ऐसे लिखा हुआ होगा और HTML उसके बीच में लिखा हुआ होगा। ये HTML यहां से स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये HTML कहां तक गया हुआ है, बिल्कुल आखिर तक गया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल आखिर तक ये गया हुआ है। आपको यहां स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और आप अपनी अपनी स्क्रीन पे भी उसको देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है बॉडी। उसके बाद है बॉडी। बॉडी भी जहां से शुरू होगी वहां पे ऐसे लिखा होगा, बीच में लिखा होगा बॉडी। अच्छा, और बॉडी खत्म कहां पर है, ये नीचे जाके खत्म है। अच्छा, खत्म होने की पहचान क्या है, उसमें एक स्लैश भी होगा, ऐसे होगा बॉडी लिखा होगा एक स्लैश भी होगा साथ। तो ये बॉडी यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छा, इसमें हेड का इन्होंने जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, हमारे कोड में हेड भी लिखा हुआ। अच्छा, बॉडी जो है, जो भी चीज बॉडी के अंदर लिखी हुई होती है वो आपको स्क्रीन पे नजर आती है, या यूं कहना बेहतर है कि जो चीज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करनी है आपको बॉडी में वो बात लिखनी है। अच्छा, हेड में क्या लिखना है आपको, मेटा डेटा। हेड में मेटा डेटा लिखना है। मेटा डेटा किस चीज को कहते हैं, कि कोई भी डेटा है उसके बारे में डेटा, कोई भी डेटा है उसके बारे में जो डेटा होता है वो लिखना है। मिसाल के तौर पर इस वेबसाइट का टाइटल क्या है, अभी इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैं लिख देता हूं कि फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, ये मैंने इसका टाइटल कर दिया। अब आप नोट कीजिएगा, जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूंगा ब्राउजर में तो ऊपर यहां पे लिखा आ रहा है फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, टैब के पास इस जगह पर, ठीक है, यहां पे ये लिखा आ गया, स्क्रीन पे नहीं आया है, ऊपर टैब में टाइटल की जगह पर आ गया। तो हेड में ना इस तरह की चीजें होती हैं। फिर एक और मेटा टैग है, ठीक है, एक और मेटा टैग है, और जितने भी हेड के अंदर ये मेटा टैग लगे हुए हैं ये सिमेंटिक्स, इसको भी सिमेंटिक टैग कहते हैं। अगर ये नहीं होगा ना तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको मैं हटा दूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसके होने से बहुत सारे फायदे होते हैं, वो हम आगे जब पढ़ेंगे सिमेंटिक और एक दूसरे तरह के जो टैग होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है एक सिमेंटिक होता है, वो जब पढ़ेंगे तो इसका फर्क आपको वाजे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि आपको शुरू में ना ये चीज इसी तरह लिखनी पड़ेगी, डॉक टाइप HTML और फिर HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट और HTML का डॉक्यूमेंट खत्म, और HTML के डॉक्यूमेंट में एक हेड होगा एक बॉडी होगी, ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये क्या आपको खुद से लिखना पड़ेगा, नहीं, ये आप लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब का बटन दबा देंगे, खुद से लिखा हुआ है, ठीक है, और ये हमें फीचर कौन दे रहा है, VS Code, ठीक है। हो सकता है किसी दूसरे एडिटर में ये चीज ना होती हो या होती हो, कुछ मुख्तलिफ तरीके से होती हो। तो मैंने क्या कर दिया, ये आपको स्ट्रक्चर समझा दिया, जो भी कोड अभी तक यहाँ पे लिखा हुआ था वो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब बॉडी के अंदर दो अदद मार्कअप्स पहले से लिखे हैं। अब इस मार्कअप को जरा हम समझ लेते हैं कि ये मार्कअप कैसे है। अच्छा, उसके लिए हमें वापस बुक में आना पड़ेगा। इसी के अगले पेज में जब आप जाएंगे, देखें इन्होंने मार्कअप लगाया हुआ है H1 और पैराग्राफ, ये दो मार्कअप इन्होंने लगाया हुआ है। अब इस मार्कअप को ना मजीद डिटेल में ये बता रहा है अगले पेज में, ठीक है, ये देखें आप,
कह रहे हैं कि ये जो मार्कअप बनता है ना, ये कैसे बनता है, ये टैग से मिलके बनता है। अच्छा हम अपने कोड में देखते हैं, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में एच वन है, हमारे केस में ये एच वन लिखा हुआ है। तो एच वन में आप देखें एक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट है, एक एंगल ब्रैकेट खत्म है, बीच में एच वन लिखा हुआ है, तो ये एक टैग है। इतने को हम क्या कहते हैं, एक टैग कहते हैं। अच्छा फिर ये भी एक टैग है, पहले वाला ओपनिंग टैग था, ये वाला क्लोजिंग टैग है। अभी आप इसमें देखें, ये इसको बताया हुआ है कि ये ओपनिंग टैग है, लिखा हुआ है ओपनिंग टैग, और इसी के बाद एक क्लोजिंग टैग भी आ रहा होगा। ये बहुत ज्यादा जूम इन कर दिया मैंने, अच्छा ये ओपनिंग टैग है, उसके बाद ये क्लोजिंग टैग है, दोनों की पहचान क्या है, इसमें एक स्लैश होता है क्लोजिंग वाला में, उसी तरह एंगल ब्रैकेट होता है। अच्छा ये जो पी लिखा हुआ है बीच में, इसकी जगह पे मार्कअप का नाम होता है। अगर मैंने जो दो मार्कअप अभी लगाए हैं, पहला मार्कअप एच वन है तो वो एच वन का नाम लिखा हुआ है, दूसरा मार्कअप है बोल्ड, ठीक है, तो बी लिखा हुआ है वहां पर, तो जो मार्कअप होगा ना उसका नाम होगा। अच्छा अब एक टैग ओपनिंग, एक टैग क्लोजिंग, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, इस पूरे को मिला के हम कहते हैं एलिमेंट, इस पूरे को क्या कहते हैं, एलिमेंट। अच्छा अगर मैं ये कहूंगा कि एच वन का टैग, तो मैं जस्ट इतने की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहूंगा कि एच वन का एलिमेंट, तो ये मैं पूरे की बात कर रहा हूं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों को मिला के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक मार्कअप किन चीजों से मिलके बनता है वो हमने देख लिया। अच्छा तो एक एच वन का मार्कअप है, एक बी का मार्कअप है बोल्ड, बी का मतलब है ये बोल्ड होकर नजर आएगा। अच्छा अब आगे चलते हैं हम इसी बुक के अंदर, अच्छा हम दो मार्कअप सीख के और फिर छुट्टी करते हैं इंशाल्लाह, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे। अच्छा हमने एक मार्कअप लगाया था एच वन, एच वन का मतलब होता है हेडिंग नंबर वन, सबसे बड़ी हेडिंग, लेकिन बुक में इन्होंने बताया है कि हेडिंग वन से लेके सिक्स तक होती है, ठीक है, हेडिंग टू उससे थोड़ी छोटी होगी, फिर हेडिंग थ्री उससे थोड़ी छोटी होगी, छह हेडिंग होती है, तो हम क्या करते हैं अपने पास छह हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है जी। मैंने कहा एच टू, एच थ्री, एच फोर, हाँ तो सारे एच वन लगा दें, एच सिक्स, ठीक है, छह तरह की हेडिंग होती है एच वन से लेके एच सिक्स तक। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई आर्टिकल लिख रहा हूं, अगर मैं कोई भी यहाँ पे गूगल पे आर्टिकल खोलता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये आर्टिकल खोला है अपने पास, अब इसमें आप नोट कर रहे हैं सबसे पहली हेडिंग जो है वो सबसे बड़ी हेडिंग है, लेकिन अगली जो हेडिंग है वो उससे छोटी है, ठीक है, उसके बाद वाली जो है ये भी हेडिंग टू है, ये भी हेडिंग टू है, ये भी हेडिंग टू है, थोड़ी छोटी है, ये भी हेडिंग टू है, अब इसके अंदर देखें हेडिंग थ्री जब आती है तो और छोटी है, ठीक है, ये दोबारा से हेडिंग आ रही, सॉरी मैंने बोल्ड तो नहीं किया, अच्छा इसमें गूगल वाले में देखो, मैं तो जस्ट अभी हेडिंग का साइज बता रहा था कि H1 H2, अब हेडिंग को बोल्ड करना है या नहीं करना वो कर सकते हैं आप, ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं हेडिंग को भी बोल्ड करके दिखा सकता हूँ, इसका जवाब है हाँ, ठीक है, हेडिंग को भी आप बोल्ड करके दिखा सकते हैं। अच्छा तो हमने एक मार्कअप सीख लिया कि हेडिंग वन नहीं होती सिर्फ, हेडिंग वन से लेकर सिक्स तक होती है, आपको अपनी जरूरत के मुताबिक जो हेडिंग चाहिए वो हेडिंग आप लगा लेते, ठीक है। अच्छा इतने को हम चलाकर देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने तो देखें आप ये छह अलग अलग हेडिंग मैंने लिखी थी, ये यहां से लेके यहां तक ये छह हेडिंग अलग अलग साइज में मुझे डिस्प्ले हो गई। एक मार्कअप हमने सीख लिया, एक मार्कअप और सीखते हैं फिर हम निकलते हैं। अच्छा दूसरा मार्कअप हमने सीखा पैराग्राफ, जी दोस्त जी, नहीं क्योंकि छोटे सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है ना वो मेन हेडिंग होती है,
अखबार में आप जब कोई पढ़ते हैं मजमून तो सबसे बड़ी एक हेडिंग होती है, लेकिन वो बड़ी हेडिंग सब जगह तो नहीं लगा सकते ना, फिर नीचे जो आती है वो थोड़ी छोटी करनी पड़ती है क्योंकि जगह भी बचानी होती है। मैनेज कर सकते हैं लेकिन आप एक बराबर नहीं कर सकते, मतलब कर भी सकते हैं अगर एक तरह से देखा जाए तो आप कर भी सकते हैं इसको, आप मतलब किसी के फॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सबको एक बराबर कर दिया तो वो हेडिंग्स का मकसद फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ऊपर नीचे तो कर सकते हैं, आपके लिए जरूरी भी नहीं है आप हेडिंग बनाए, आप जो है ना कुछ और पैराग्राफ लगा के उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो आपके पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन अनलिमिटेड है। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि हम एमएस वर्ड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कुछ लिखते हैं सेलेक्ट करके बोल्ड का बटन दबा देते हैं, बट उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस होती है क्योंकि वो यूआई बेस्ड है और वो एक प्रोग्रामर के लिए नहीं बनाया गया, वो एक आम आदमी के लिए बनाया गया जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो उसमें बहुत सारी चीजें जाहिर है हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कोडिंग क्योंकि हमारे हाथ में तो हम यहाँ पे बहुत सारी वो चीजें कर सकते हैं जो एमएस वर्ड में नहीं हो सकती आसानी से। अच्छा तो अब हम एक देखते हैं पैराग्राफ, एक बोल्ड हम देख चुके थे, अब हम देखते हैं पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में मैंने क्या करना है, पी लिखना है और टैब दबा दूंगा, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड का फीचर है ये, पी लिखूंगा टैब दबा दूंगा वो खुद ही पूरा एलिमेंट क्रिएट कर देगा, सही है। दिस इज अ, बल्कि ये पैराग्राफ मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, यहां से मैं ये पूरा पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूं। अच्छा सेव कर दिया मैंने, और अब इसको मैं चला के देखता हूं कि ये दिख रहा कैसा है, ठीक है। आप नोट करें पैराग्राफ जो है एक पैराग्राफ की तरह बिल्कुल डिस्प्ले हो गया है यहाँ पे। अगर मैं इसको पेज को जूम इन करूंगा ना तो आप देखेंगे खुद से एक मैनेज होता चला जाएगा, ठीक है। क्लाउड सी एल आई देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जूम आउट करूंगा ये खुद से ऊपर चला जाएगा, ये खुद से ऊपर चला गया, एक पैराग्राफ की तरह ये पूरे पेज पे इसने जगह ले ली, ठीक है। तो ये पैराग्राफ का हमने एक मार्कअप सीख लिया। अच्छा अब हम देखते हैं और कौन सा मार्कअप यहाँ पे बताया हुआ है इन्होंने, बोल्ड तो हम पहले ही देख चुके हैं, इटैलिक भी देख लेते हैं कि इटैलिक कैसे होता है। अच्छा मिसाल के तौर पे मुझे अपने इस पैराग्राफ के अंदर ये काफी लंबा पैराग्राफ मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा यहाँ पे जो मैं लाइन ब्रेक कर रहा हूँ ना इसका असर वहां पे नहीं पड़ेगा, वो अपने हिसाब से ही इसको प्रिंट करेगा, यानी जितनी जगह उसको स्क्रीन पे मिलेगी वो पूरी जगह ले लेगा। अच्छा यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि गूगल क्लाउड सी एल आई जो लिखा हुआ है ना इसको मैं क्या कर दूं, इटैलिक कर दूं, ठीक है, इटैलिक करना चाहता हूं मैं। आई ओपन किया मैंने और यहां पे जाके मैंने क्या कर दिया, आई को क्लोज कर दिया, सही है, आई को क्लोज कर दिया मैंने, इतने को मैंने क्या कर दिया, इटैलिक बना दिया, इटैलिक हो गया। अच्छा इसी तरीके से मैं चाहता हूं सर्विस अकाउंट जो लिखा हुआ है इसको मैं क्या कर दूं, बोल्ड कर दूं, तो मैंने यहां पे आके कहा बी बोल्ड, ठीक है, जो सर्विस अकाउंट लिखा हुआ था इसको मैंने बोल्ड कर दिया, जो गूगल क्लाउड सी एल आई लिखा हुआ था इसको मैंने इटैलिक कर दिया। अब देखते हैं कि वाकई ये इटैलिक ये हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, इतना बोल्ड हो गया इतना इटैलिक हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इसके बाद जो ये लिखा हुआ है ना एनवायरमेंट वेरिएबल इसको मैं बोल्ड भी कर दूं इटैलिक भी कर दूं तो मैं कैसे करूंगा, कौन बताएगा ये जी, बोल्ड भी करना है इटैलिक भी करना है एट द सेम टाइम। अच्छा दोनों टैग लगा देंगे तो दोनों हो जाएगा, आसान है बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया। अभी कलर, अभी हम वो वाला मार्कअप नहीं देख रहे, हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, ठीक है, पहले इसको आई में पैक करता हूं मैं, पहले इसको मैंने आई में पैक किया, अब मैं इसको बोल्ड में भी कर दूंगा, मैं इसको बोल्ड भी कर दूंगा, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बाहर हो या कोई अंदर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों मैंने कर दिया, बोल्ड भी कर दिया इटैलिक भी कर दिया। तो आप नोट करें एनवायरमेंट वेरिएबल जो बात लिखी हुई थी ना वो बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया, ठीक है, एक बोल्ड एक इटैलिक और एक को मैंने बोल्ड इटैलिक दोनों कर दिया,
बोल्ड और स्ट्रांग में हम जब सिमेंटिक टैग्स पढ़ेंगे ना तो फिर ये आपको फर्क पता चल जाएगा, वो आपका आगे आएगा इंशाल्लाह। अभी वो भी देखते हैं। अच्छा तो आज हम इतने ही मार्कअप्स रखते हैं, ठीक है? आपको अब घर से कुछ ना कुछ टास्क देता हूं मैं। क्या टास्क दिया जाए आपको घर से? आपको टास्क ये दिया जा रहा है कि आप अगली क्लास में जब भी आएंगे, अब आपकी क्लास मंडे को होगी मोस्ट प्रोबेबली, है ना, आखिरी क्लास है तो आपके पास 3 दिन का टाइम है, ठीक है? मंडे का भी पूरा दिन होगा ना, रात को आते हो यहाँ पे। अच्छा तो मैं यह W3 स्कूल्स पे, ठीक है, और मैंने कहा HTML टैग्स के आखिर कितने तरह के टैग्स होते हैं, 4-5 तो हम देख चुके हैं अभी तक, आखिर कितने तरह के टैग्स होते हैं पता तो चले, तो उसकी लिस्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे HTML टैग्स। अच्छा नहीं ये गलत खोल दिया मैंने, HTML एलिमेंट्स लिख के ट्राई करता हूँ। List of HTML elements. मिल गया। ये वो लिस्ट आ गई है कि HTML में पूरे जो टैग्स है ना उसकी पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है जनाब। अच्छा अब हमें करना क्या है, कॉपी कर दिया मैंने इस लिंक को, इस लिंक को कॉपी करके आपको मैंने भेज दिया air.sysbot पे, ठीक है, एंटर। ग्रुप में भी कोई आप में से शेयर कर दीजिएगा, क्या ग्रुप नहीं लोड होगा? ग्रुप ही आइए air.sysbot। अच्छा अब आपको करना क्या है, इसके अंदर सारे टैग्स अवेलेबल हैं जो जो HTML में होते हैं, आपको क्या करना है अपनी एक CV तैयार करके लानी है अगली क्लास में। हमने कौन कौन से टैग सीख लिए, हेडिंग सारी सीख चुके हैं हम, CV में मेन काम तो होता ही हेडिंग का है, एक सबसे बड़ी हेडिंग होती है CV, उसके नीचे होता है माई क्वालिफिकेशन, माई एड्रेस, माई बायोडेटा, माई एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, हेडिंग सारी सीख चुके हैं हम, ठीक है। कुछ चीजों को बोल्ड करना होता है वो भी हम सीख चुके हैं, कुछ चीजों को इटैलिक करना होता है वो भी सीख चुके हैं, ठीक है। और हमें क्या करना होता है CV में बताओ, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, बुलेट पॉइंट्स भी सीख लेते हैं, ठीक है, एक आखिरी टाइप, बुलेट पॉइंट्स कैसे लगाते हैं वो भी सीख लेते हैं, और यहाँ पे मजीद भी बहुत सारे टैग्स हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कीजिएगा घर जाके कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज है जो CV में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा तो हम एक ना आखिरी सीख लेते हैं, अच्छा अच्छा मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दो तरह की लिस्ट का मार्कअप लिखा है, एक है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये मैंने मार्कअप आपकी स्क्रीन पे सामने लिखा है। अच्छा इसको मैं चला के दिखा देता हूं पहले, फिर हम देखते हैं ये कैसे चल रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, लास्ट में देखो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसी दो तरह की लिस्ट होती है, CV में काम आती है इस तरह की लिस्ट। अच्छा अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स होते हैं, बुलेट्स नजर आ रहे होते हैं, नंबर नहीं आ रहा होता, ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट में ना 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा होता है। इसको मैंने किया कैसे देख लेते हैं, मैंने कहा UL, जूम इन कर देता हूं थोड़ा इसको, ठीक है, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओपनिंग टैग हो गया ये, मैं कोड पुश कर दूंगा आपको, रिपोजिटरी का लिंक भी भेज दूंगा, कोड आपको वहां पे मिल जाएगा, बल्कि आपको तो पता ही है मेरी रिपोजिटरी में जाओगे फर्स्ट वेबसाइट के नाम से है वो लिंक, तो मिल जाएगा आपको। UL ओपन किया और UL क्लोज किया, उसके अंदर है आइटम्स, लिस्ट आइटम, जितने आइटम डालोगे उतने बुलेट पॉइंट्स बन के सामने आपके डेटा आ जाएगा,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट, OL, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ऑर्डर में होगा, ये 1 2 3 4 ऑर्डर में लिखा हुआ आएगा, ठीक है, बुलेट नहीं आएंगे, 1 2 3 4 आएगा। OL ओपन, OL क्लोज, और उसके अंदर क्या है, लिस्ट आइटम, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, ठीक है। बीच में जो भी लिखोगे वो लिस्ट बनकर डिस्प्ले हो जाएगा। और तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीवी में इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा एक टैग और सीख लेते हैं, दो तीन ही सीखे अभी तक तो। एक टैग है हमारे पास HR, ठीक है, टैग, ठीक है। HR से क्या होता है, ऐसे एक लाइन बन के आ जाती है, ठीक है। देख लेते हैं कैसे लाइन बन के आती है, ये देखो पैराग्राफ के बाद ना मैंने ऐसे एक लाइन लगा दी, इसका नाम है HR, हॉरिजॉन्टल रूल इसको कहते हैं। तो हमने इतने टैग्स तो पढ़ लिए हैं कि एक सीवी आराम से बन जानी चाहिए, क्या ख्याल है? बेसिक बिल्कुल चाहिए, जितनी बन जाए उतनी बना के लेकर आ जाना। और लाना कैसे है, एक अलग से गिटहब की रिपोजिटरी बनाना जिसका नाम होना चाहिए रिज्यूम, है सीवी को अच्छा सा नाम रिज्यूम बोलते हैं, या सीवी रख देना, ठीक है, या माई सीवी रख देना। रिपोजिटरी का नाम होना चाहिए, वो पुरानी वाली रिपोजिटरी में नहीं पुश करना है, नई रिपोजिटरी बनानी है, और उसको पेजेस पे होस्ट करना है ताकि उसको कोई भी क्लिक करे ना तो पूरी सीवी खुल जाए आपके सामने। क्योंकि अब आप हो चुके हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, पहला कदम तो रख दिया ना भाई, अब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो चुके हैं। अब आपसे कोई सीवी मांगेगा तो आपको पीडीएफ में नहीं भेजना है, आपको एचटीएमएल में लिख के भेजना है, ताकि सामने वाले को पता तो चले ना कि यार आप कुछ काम आता भी है आपको। आप पीडीएफ में करके भेजेंगे, वो एक होता है ना, बंदा तेल बेच रहा होता है कि इस तेल को लगाएंगे तो आपके बाल इतने बड़े हो जाएंगे संभालना मुश्किल, वो खुद होता है गंजा, तो ऐसा वाला ना हो, ठीक है। अपने बाल भी उसके इतने बड़े हो कि बंदा देख के इंप्रेस हो। तो आप अगर कह रहे हैं कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं तो आपकी सीवी भी फिर सॉफ्टवेयर होनी चाहिए, एचटीएमएल में लिखी भी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी, तो इंशाल्लाह इसी के साथ